ये आपके सामने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दो शब्द हिंदी में बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्देशक सर, शिक्षक गण, आगंतुक सज्जनों एवं मेरे विद्यालय के सभी वीर साथियों, मेरा नाम आकर्ष कुमार, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मैं आपको सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना एवं प्रणाम करता हूँ। आज बड़ी हर्ष की बात है, मुझे स्वतंत्रता दिवस पर दो शब्द कहने का मौका मिला है, तो मैं अपने दो शब्द का शुभारंभ कुछ पंक्तियों से करना चाहूँगा। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। झूम उठो देशवासियों, आज स्वतंत्रता दिवस आया है। हमारा भारत देश 200 वर्षों से अंग्रेजों के गुलामी में था। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेजों के गुलामियों से आजाद हुआ। भारत देश को आजाद कराने के लिए ना जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन त्याग कर दिया। दोस्तों, आज हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। यह भारतवासियों के लिए गर्व, सम्मान और सौभाग्य का दिवस है। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। आजादी के बाद हर क्षेत्र में विकास हुआ है, पर यह भी सत्य है हमारा भारत देश आतंकवाद और भ्रष्टाचारों की समस्याओं से लड़ रहा है। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी प्रण लेते हैं कि इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे तथा भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। मैं अपने भाषण का समापन पुनः दो पंक्तियों से करना चाहूँगा। देश सलामी इस तिरंगे को जिससे भारत की शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक हम में जान है, जब तक हम में जान। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।